लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। कोरोना का जो कहर तारी था, मुख्तलिफ लॉकडाउन के मराहिल से रियासत का गुजर हुआ। इन दिनों किसी हद तक कई सियासी और समाजी पार्टियां हैं जो ये दावेदारी में मसरूफ हैं कि किसी न किसी हालत से इस मामले को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब देखा जाता है तो ये इसका जो नतीजा निकल रहा है बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पर है। कई तंजीमें हैं और कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस ज़रूरत को महसूस करते हुए जगह जगह वैक्सीनेशन ड्राइव का मामला चला रहे हैं और जगह जगह अवेयरनेस के सिलसिले में भी कई जगहों पर प्रोग्राम जारी हैं। आज शहर के कई ऐसे समाजी तंजीमें जिन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव का एहतमाम किया है, जिसमें बीजिंग वाइट्स, थनाल ग्रुप, इसके अलावा करोल फाउंडेशन, ये तमाम ग्रुप हैं जिन्होंने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए वैक्सीनेशन ड्राइव का एहतमाम किया है। कई तंजीमें हैं जो इस खसूस में काम कर रही हैं। जानते हैं इसकी तफसीलात मोहतरम उस्मान शरीफ से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो वैक्सीनेशन ड्राइव है इन सब एसोसिएशन ऑफ नारायण हृदयालय सपोर्टेड बाय बीजिंग वाइट्स, हमारे जनाब इब्राहिम अकरम साहब का, और थनाल ग्रुप के हमारे अनवर भाई, हमारे मुस्तफ़ा भाई और हमारा करॉल फाउंडेशन, रहमत ग्रुप, पूरे मिलके आज इस शांति निकेतन मॉल व्हाइटफील्ड में वैक्सीनेशन ड्राइव कर हैं फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड। तो इससे पहले भी कई सारे हमारे ड्राइव्स होकर हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि अंडर प्रिविलेज्ड के लोगों एरियाज़ में फोकस करके उधर भी हम लोग फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। तो BPL कार्ड होल्डर्स का जहाँ तक हो सके आपने इकदाम किया है, तो इस सिलसिले में कैसे मुश्किलात का सामना है? मुश्किलात तो बहुत आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम ऑफ वॉलंटियर्स है, इस मौके पर उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। जो हमारे वॉलंटियर्स आती हैं, जब ये वॉलंटियर्स हमारे स्ट्रॉन्ग एक फोर्स बन के खड़ती है, तो तमाम मुश्किलात हल करके हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टैंडर्डाइज तरीके से एंट्री से लेकर एग्ज़िट तक पूरा मैनेज कर रहे हैं। एक तरफ सरकार की जानिब से वैक्सीनेशन लाजिमी करार दिया जा रहा है और फिर दूसरी तरफ वैक्सीनेशन में कहीं ना कहीं कमी भी नज़र आ रही है, तो सरकार की इस दोगली पॉलिसी में कहीं ना कहीं ये समाजी लोगों को या जो तंजीमें काम कर रहे हैं उनको रुकावटें तो नहीं हो रही? सो देयर वाज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन गवर्नमेंट सप्लाई एंड डिमांड, लाइक सी सो फार एज पर स्टैटिस्टिक्स वी आर ओनली 3.5% डन विद वैक्सीनेशन। So अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी वर एबल टू सर्व द ह्यूमैनिटी एटलीस्ट इन द स्मॉल लेवल, because the amount of vaccination we got was 800 and the response was overwhelming. We got almost 3 times, almost 2500 registration in our back end. How many areas covered? We have covered almost 5 to 6 local areas like Kearpuram, Devsantra, Sadramangala, Hoodi, Marthahalli, Madhepura. So we were able to cover a very good region, but unfortunately we were blessed with only 800 vaccines. Any kind of future plan? Future plans? Yes, future. See, future is very, very vast. Actually, we have lot of things to do. See, actually, we are doing even free meals for the deserving destitutes over the on the road. So one meal a day, which is we have started with almost 2,500 now. Inshallah, we are trying to target 15,000, which is a rough estimate of how many people are there without one square meal a day. So very soon we'll be achieving the target with the help of all the supporters and the funders and NGOs. So right now, very soon we'll be touching 5,000 meals per day to all the people out there who are hungry. And we have more projects like this, doing free dialysis, destitute home, lot of opportunities. So you just ask, we have everywhere our presence and we want to do much, much more. And we are blessed with a strong team of volunteers, selfless volunteers, ready to do anything. This event was organized just 3 days time and we did it good, I think. Sir, लोगों में एक कन्फ्यूजन ये भी है कि वैक्सीनेशन लिए जाने के बाद उनको फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस तरह का कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए क्या प्लानिंग हुई आपकी ऑर्गेनाइजेशन? सर, ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पहले तो अल्लाह पे भरोसा रहना चाहिए कि जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब लोग ले रहे हैं और पूरे साइंटिस्ट वगैरह सब लोग बोलें कि ये वैक्सीन ही एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हमको ये कोरोना से निजात पा सकते हैं हम लोग, तो इस बारे में सबको हम लोग एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं हर एक एरिया में जाके।
तो अब तक कितने एरियाज कवर हुए हैं आपके ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से और लोगों में कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको और कैसे मुश्किलात अब तक आपको पेश आए हैं? सर, बेंगलोर तो काफ़ी बड़ा शहर है, तो उस हिसाब से देखें तो कई ज़्यादा एरियाज नहीं, लेकिन एक 15-17 एरियाज तो कवर हो गए हैं अब तक, और अभी इंशाल्लाह अगले हफ्ते कई और एरिया में यहीं पे वापस करने का इरादा है हम लोग। बेंगलोर के बाहर का भी कुछ प्लान है? बेंगलोर के बाहर का भी हम लोग ने प्रपोजल डाला हुआ है, इंशाल्लाह दुआ करिए अगर वो हो गया तो और भी अच्छा है। हम लोग वॉलंटियर्स की टीम लेके चले जाएंगे वहाँ पे और वहाँ के लोगों को भी कराएंगे। बेंगलोर में फिर भी हॉस्पिटल्स है, दूसरे छोटे शहरों में तो वो भी नहीं है, तो उधर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्यूचर प्लान्स में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं या कौन कौन से एरियाज हैं? इंशाल्लाह मैसूर है, शिमोगा है, और उधर के आजू बाजू के जो भी छोटे गांव हैं वगैरह उधर सब करने का प्लान तो है, इंशाल्लाह दुआ करिए। ಇವತ್ತು ಕರೋಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಬೀಜಿಂಗ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಡ್ರೈವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರೈವ್ನ ಮಾಡಿರೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 800 ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಮೋಟಿವ್. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋವಿಡಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಮೋಟಿವ್ ಇದ್ರದ್ದು. ಜನಗಳು ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದೊಂದೇ ಮೇನ್ ಮೋಟಿವ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಫ್ರೀ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಜನಗಳು ಬರಲಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಎನ್ ಜಿ ಒಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಮಾಡಲಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆರ್ ಒನ್ ವೇ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಜಿ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಮೇ ಅಲ್ಹಮ್ದ ಅಲ್ಲಾ ಕಾ ಶುಕ್ರ ಅದಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ ಕಿ ಅಲ್ಲಾ ನೇ ಹಮೇ ಚುನಾ ಹೈ ಇಸ್ ಲಾಯಕ್ ಸಮಝಾ ಕಿ ಹಮೇ ಇಸ್ ಚೀಜ್ ಕೋ ಅಂಜಾಮ್ ದೇ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯ ಕಾ ಫಿರ್ ಬೀಜಿಂಗ್ ಬೈಟ್ಸ್ ತನಾಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಿರ್ ಕರ್ಲೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾ ಶುಕ್ರಾದ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ ಕಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಮಿಲ್ಕರ್ ಹಮ್ನೋ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಇಸ್ ಚೀಜ್ ಕೋ ಅಂಜಾಮ್ ದಿಯಾ ಹೈ. ಹಾಂ, ರುಕಾವಟ್ ಇಸ್ ಚೀಜ್ ಕೆ ಆಯೇ ಹೈ ಕಿ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಮ್ನೆ ಯೇ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಿಯಾ ಹೈ ತೋ ಹಮಾರೆ ಪಾಸ್ ತೋ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಫಿಲ್ಹಾಲ್ 850 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಿಲೇ ಹೈ ಕಿ ಬಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಾಸ್ 2500. तो हमारा फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी था कि हम BPL कार्ड होल्डर्स को दें, क्योंकि दीज आर अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिनके घर में खाने के लिए भी दिक्कत है. तो वाई नॉट हम ये सोचे कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड कि BPL कार्ड होल्डर्स के लिए. तो नाजरीन, मुख्तलिफ तंजीमें मैदान में उतर कर काम कर रही हैं और ये इन लोगों का दावा ये है कि ग्रॉस लेवल पर और BPL कार्ड होल्डर्स तक जिनकी रसाई हो नहीं पाती, ऐसे लोगों तक पहुंचकर कम से कम ये वैक्सीनेशन ड्राइव से मुतालिक उनमें बेदारी मुहिम चलाएं और लोगों को अवेयरनेस और इस सिलसिले में बेदार करें कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं ली जाएगी इस बीमारी पर काबू पाया जाना मुश्किल है. लेकिन दूसरी तरफ मसला ये भी है कि हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन की जिस तरह की फराहमी होना चाहिए थे उस मामले में भी कहीं ना कहीं कमी वाक़ हो रही है. नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे. शुक्रिया.